हेलो भैया, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी फंड निफ्टी मंडे को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देख लें। वीकली टाइम फ्रेम पे एक वीक की क्लोजिंग हुई है और देखो नए साल में थोड़ा सा मार्केट है ना वोलेटाइल थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी एक दिन मतलब अप डाउन वाली कंडीशन चल रही है। तो वो चीजों में थोड़ा सा अभी क्लियरिटी मतलब वो मिल नहीं पा रही मार्केट को। ऊपर का जो रिजेक्शन लेवल है उसके ऊपर अभी जब भी क्लोजिंग करेगा तब जाके थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव साइड मिल सकता है इंट्राडे के बाद उससे 2-3 दिन के लिए। तो वो लेवल देखें हम शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे। बाकी कैंडल से अभी कोई मतलब जिसमें बॉडी में बहुत ज्यादा मतलब पतली बॉडी होती है ना यहाँ पे मतलब मार्केट में कोई क्लियरिटी नहीं है। आप देखो नॉर्मली जो बॉडी का शेप होता है वो अलग तरीके का, जिसमें स्ट्रेंथ होती है। जैसे ये है नेगेटिव कैंडल बनी, ये स्ट्रेंथ थी, फिर ये बनी यहाँ पे, फिर ये पॉजिटिव कैंडल बनी। तो मतलब कैंडल के आप इसमें देखो स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे इसमें कोई ज्यादा बॉडी नहीं है, मतलब वो चीज़ क्लियरिटी आने दी अभी में। फिर लोअर लेवल हायर लेवल जब भी यहाँ से लेवल ब्रेक करेगा उसके बाद क्लियरिटी आ पाएगी तब पता पड़ेगा एक्चुअल में। और छोटे टाइम फ्रेम पे हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हुए यहाँ पे तो उसमें क्या लग रहा है देखो डेली में अभी हमने लास्ट वीक जब बात करी थी यहाँ पे तब इसकी क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे कि ये इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो नेक्स्ट टारगेट मतलब इसके आसपास यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो उसने ये कवर कर लिया एक बार। अब देखो क्या है ना वापस से इसी टाइप की कैंडल बना रहा है, मतलब ये जिससे ओपन हुआ था डेली में अभी इसे 21,705 क्लोजिंग हुई है 21,710 की, मतलब जहाँ ओपन हुआ क्लोजिंग उसी के वहीं पर हो गई फ्राइडे को। कोई क्लियरिटी आप भी आ नहीं पा रही मार्केट में। अब कोई प्रॉपर लेवल अगर टूटे यहाँ पे जैसे अभी ये मेन लेवल आएगा 21,505 का, अगर ये लेवल ब्रेक करके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर यहाँ पे पोजिशनल यहाँ का थोड़ा नेगेटिव होने लग जाएगा मार्केट उस हिसाब से, क्योंकि अभी ये लेवल सपोर्ट की तरह बन चुका है जिसपे यहाँ पे इसने लिया था प्रीवियस। अगर ये सपोर्ट लेवल इसमें ब्रेक करा तो फिर नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। और अभी जो हाई ऊपर ऊपर रिजेक्शन लेवल क्या है 21,755 21,749 जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा आएगा 21,800 तक का आराम से जा सकता है यहाँ पे। उसके बाद ये 21,832। तो छोटे टाइम फ्रेम में हम देखते हैं हमने क्या लेवल्स बनाए थे। देखो ये लेवल्स हमने यहाँ पे बनाए थे थर्सडे को बनाए थे फ्राइडे के लिए, तो मार्केट ने बिल्कुल यहीं से रिजेक्शन दिया 21,748 के आसपास से यहाँ से, और फिर इसी रेंज में मार्केट निकला है यहाँ पे लाभ होते तक। फिर जैसे इसने धीरे धीरे ब्रेक करते करते आया तो उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर सपोर्ट लेवल था उसके बाद देखो क्या होता है ना एक मार्केट अगर मान लो किसी रेंज में फंस गया, जैसे यहाँ से ही रेंज में फंस गया तो फिर इस रेंज को वेट करो इस किस साइड ब्रेक होती है उस टाइम पे कभी भी, क्योंकि ऑलमोस्ट उसने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम उसने निकाल दिया। सुबह देखो ये 10:45 10:35 से लेकर आराम से उसने 2:15 तक का यहाँ पे टाइम आराम से निकाला है। तो उसके बाद जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करेगा वहाँ एक बार अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट केवल यहाँ तक था तो यहाँ तक इसने रिकवरी कर ली, रिवर्सल ले लिया इसने यहाँ से। तो अब हमें आगे के लिए देखते हैं आगे क्या लगता है इसमें से। अब देखो एक चीज है जो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा पहला यहाँ पे ये वाला लेवल इसे के पास, ठीक है। ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा और इसी रेंज में अगर मार्केट रहता है यहाँ पे तो ये रिजेक्शन की तरह यही काम करेगा 21,748 का, और उसके बाद जो लेवल आएगा 21,800 का जो हमने ऑलरेडी बात करी थी यहाँ पे 800 के 798 फिर 840 का, ये लेवल आ जाएगा रिजेक्शन के आगे यहाँ पे अगर इसके नीचे ब्रेकआउट देता है। और ये लेवल सपोर्ट का इसको कंसिडर करना पहला सपोर्ट ये रहेगा, उसके बाद अगर यहाँ पे आता है तो 21,628 का लेवल, 21,582 का, तो ये लेवल हो जाएगा। और इसी रेंज में अगर बीच में मार्केट ट्रेड करता है तो फिर ज्यादा अवॉइड करना, या तो सपोर्ट पे ट्रेड का सोचना अगर यहाँ पे भी सेटअप बनता है, या फिर रिजेक्शन पे यहाँ पे भी सेलिंग का भी हिसाब बनता है सेटअप यहाँ पे तो प्लान करना। बीच में तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट होने वाले काम हो जाएंगे इसी कंडीशन में तो उसको अवॉइड कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ये सेटअप दोनों थोड़ा सा भी कई बार अलग अलग चलता है तो हम एक बार वीकली पे देखते हैं इसको यहाँ पे क्या लग रहा है। ये हटाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा नेट का इशू शायद आ रहा है यहाँ पे तो उसकी वजह से दिक्कत कर रहा है ये। अब देखो वीकली पे यहाँ पे इसने भी ये बिल्कुल टॉप पे भी चल रहा है इस पर ये, लेकिन कैंडल्स अभी भी इसमें एक अच्छी बात ये है कि नीचे आया था मार्केट पूरा इस वीक में, पर जो क्लोजिंग आई है वो सबसे ऊपर की तरफ क्लोजिंग आई है यहाँ पे ऐसी कंडीशन में। तो क्लोजिंग अच्छी थी, एक सेटअप हुआ वाली चीज अच्छी देख सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर ये लोअर लेवल पे क्लोजिंग आती तो मतलब यहाँ पे बियर्स हावी होगा इसमें ऊंची होती, पर अभी यहाँ पे बुल्स हावी होगा इसमें मार्केट पे इस वीक में, मार्केट को ऊपर लेके गए, ठीक है। ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोजिंग है इसलिए नेगेटिव दिख रहा है, पर हाँ ये कैंडल पॉजिटिव दिख रही है इस तरीके से वो देखा जाएगा। अब अगर ये क्लोजिंग इसके ऊपर जब हाई चल रहा है उसके ऊपर क्लोजिंग के बाद देने लग जाता है मार्केट तो फिर नया वापस से मोमेंटम अच्छा बना सकता है इस कंडीशन में। एचडीएफसी बैंक पर ध्यान रखना होता था, एचडीएफसी बैंक का मोमेंटम बहुत ज्यादा इस पर मैटर करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के। अब हम देखते हैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो छोटे पे देखो बीच में यहाँ पे इसने डोजी बनाई थी यहाँ पे, हमने बात की थी लास्ट वीक जगह पर। अब इसका भी देखो मेन सपोर्ट लेवल जो है 47,485 का, 47,500 का जो लेवल है यहाँ पे, जब भी इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है इनकेस कभी कर देता है
तो फिर नेगेटिव तभी होएगा पोजिशनल रिस्क के हिसाब से। बाकी तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में तो फिर डिप मिलता है, कोई अच्छी सेटअप मिलता है तो आप ऐसे में सेटअप बाइंग के लिए कुछ देख सकते हैं वहाँ पे ऐसे। और अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं यहाँ पे 5 मिनट के, उस पर क्या लेवल्स हमने बात करी थी। देखो यहाँ पे सेटअप हुआ था, बना था हमारा इस जगह के, यहाँ पे पहला रिजेक्शन लेवल था 48,344 का, तो उसी से उसने वहां से रिजेक्शन लिया उसमें। और ये देखो पहला सपोर्ट लेवल था, ये तो इसको ब्रेक कर गया, पूरी कैंडल बनाता हुआ गया। यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था ये वाला, क्योंकि प्रीवियस जो प्राइस सेक्शन था इसके आसपास आता है, यहाँ पे जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता था, तो यहाँ से थोड़ा बहुत डिप लिया, ऊपर लिया एक रेंज में वापस, लेकिन इसको जब ब्रेक करा तो फिर बैक टू बैक सारे लेवल मार्केट ब्रेक करता गया यहाँ पे इस कंडीशन में। तो अब हम कंडीशन देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट उसमें क्या रह सकती है। देखो अब है ना बीच में अगर ये कहीं भी आता है तो इसमें कोई खास सपोर्ट लेवल है नहीं, लेकिन ये 47,940 का हम कंसिडर करेंगे अभी इसमें, क्योंकि प्रीवियस में यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। यहाँ तो इसने इसमें कोई खास रेंज बनाई नहीं, बस प्रीवियस सपोर्ट की कंसिडर करेंगे इसमें। और यहाँ पे टॉप पे आएगा अगर ये लेवल आता है, ये एक रिजेक्शन का लेवल बन जाएगा इसमें। ये सपोर्ट है पहला यहाँ पे 48,030 के आसपास, फिर 47,940, 47,794, ये लेवल रहेंगे इसमें। ज़्यादा कुछ चेंज करने की नीड है नहीं, क्योंकि प्रीवियस जो हाई और लो है देखो उसी के बीच में से क्लोजिंग दे दिया अभी यहाँ पे, ऊपर जाने की कोशिश करी थी लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं करा, तो प्रीवियस जो हाई और लो है मतलब प्रीवियस डे का थर्सडे का, उसी के बीच में से क्लोजिंग दी है, तो मार्केट अभी इसी रेंज में निकाल सकता है। ये जो फ्राइडे का हाई और थर्सडे का लो है इसी के रेंज के बीच में रह सकता है मार्केट, इसका हाई या लो पे कहीं भी ट्रेड मिलती है तो वहां पे कोई सेटअप देखने का प्लान करना। इनकेस जैसे यहाँ मिलती है तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट करके काम कर सकता है वापस, एक बार दोबारा अगर ये आता है तो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आता है एक बार ये इसको रिजेक्शन की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। बीच में यहाँ पे और ट्रैप करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे एक मतलब वही मल्टीपल सपोर्ट लेवल है, मल्टीपल रिजेक्शन लेवल है यहाँ पे भी ऐसे, तो यहाँ पे तो फिर ट्रैप कर सकता है इस कंडीशन में। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस की, तो सीएनएक्स फाइनेंस का जो देखते हैं फिर निफ्टी का जो होता है यहाँ पे सेटअप, फिर निफ्टी में देखो हमने बात करी थी यहाँ पे, तो इस जगह पर लेवल्स थे ये, तो इस जगह पर पहला जो रिजेक्शन लेवल था वो था 21,561 का, उसके बाद था 21,596 का, ठीक है। यहाँ पे इसने थोड़ा बहुत इसने दिक्कत करी, वही सेम कंडीशन सब में रही कि कैंडल का पहला जो 5 मिनट का हाई था वो ब्रेक नहीं करा, उसी 5 मिनट की कैंडल के बीच में बहुत टाइम तक मार्केट रहा, उसके बाद इसने ब्रेक करा काफी टाइम बाद 10:40 का, मतलब अप्रोक्स 1.25 घंटे बाद इसने मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा और फिर वापस से अच्छा लेवल नीचे डायरेक्शन दिया डाउन साइड में। तो पहला जो सपोर्ट लेवल था वहां पे आके रुका, उसके बाद फिर एक दोबारा वापस रिटेस्ट करके थोड़ा सा बाउंस करके वापस नीचे आया, तब जाके उसने दिया। अब हम इसको कंसिडर करेंगे सपोर्ट लेवल के रूप में इस वाली लेवल को। और मिड में देखो यहाँ पे कुछ चेंज करने की कोई नीड है नहीं, एक इसको हम एक मिनट, कुछ चार्ट में भी कुछ इशू हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब इसको है ना कंसिडर करेंगे ये वाला लेवल, एक इस लेवल पे अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है जाता है यहाँ पे इसी रेंज के बीच में, यहाँ पे कई बार मल्टीपल रिजेक्शन लेवल दिख रहे थे, ये यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया, तो इस रेंज में थोड़ा सा अवॉइड करना है यहाँ पे। ये सपोर्ट लेवल अच्छा है यहाँ पे, अगर इसमें यहाँ पे ट्रेड मिलती है अच्छी तो बाइंग के लिए आपको देख सकते हैं, और यहाँ पे रिजेक्शन के लेवल देख सकते हैं, पर हम यहाँ पे ऐसे तो बीच की जो यहाँ पे एंट्री अगर फ्लैट ओपन होता है थोड़ा सा उसको सेटअप बने देना, इस साइड मोमेंटम बनाता है उस हिसाब से देखना कंडीशन, और बाकी गैप अप होकर अगर यहाँ खुलता है और यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो फिर यहाँ से वापस रिवर्सल नीचे आ सकता है ऐसी कंडीशन में, या फिर गैप डाउन होता है और यहाँ पे कहीं सपोर्ट पे खुलता है या फिर यहाँ खुलता है तो यहाँ से एक बाइंग वापस अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है इस कंडीशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।